अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा ऑयल जो कि बच्चे की जिल्द, खास तौर पे वो बच्चे जिनकी जिल्द खुश्क रहती है, ड्राई रहती है, जिनको स्किन एलर्जीज के इश्यू होते हैं, एक्जिमा या एटोपिक डर्माटाइटिस का इश्यू होता है, या जिनकी स्किन में ग्लो नहीं होता, डल डल स्किन लगती है। एक ऐसा ऑयल जो कि बच्चों के बॉडी मसाज के लिए बहुत अच्छा है, जो कि उनको रिलैक्स रखता है, उनके पट्टों को रिलैक्स रखता है और उनकी नींद बेहतर करने में मददगार साबित होता है। एक ऐसा ऑयल जो कि उनके बालों की नशोनुमा के लिए, खास तौर पे जिनके ड्राई हेयर्स हैं, एक ऐसा ऑयल जो सर की जिल्द की यानी स्कैल्प की सेहत के लिए बहुत हेल्दी है, जो कि सर की जिल्द को सेहतमंद रखता है, सर में डैंड्रफ यानी खुश्की कम करने में मददगार साबित होता है और बालों को सॉफ्ट और नरम और शाइनी रखता है। एक ऐसा ऑयल जो कि बच्चे को नैपी रैशेस से बचाता है, जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है, और एक ऐसा ऑयल जो कि आप बच्चों की गिजा में भी रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जिस्म में मुदाफियत को बढ़ाता है और इसके अलावा जिस्म में एकदम से एनर्जी का बूस्ट लाता है, क्योंकि इसमें कैलोरीज यानी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड यानी हेल्दी फैट्स बहुत ज्यादा मिकदार में होता है। तो ये तमाम चीजें अगर आपको एक ही ऑयल में चाहिए तो उस ऑयल का नाम है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। ये आपको आराम से किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा और बच्चे की जिल्द के लिए, उसकी बालों की नशोनुमा के लिए और बच्चे के खाने में यानी उसकी गिजा में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन तरह के आप इससे फवायद ले सकते हैं। तो इसको रेगुलरली बच्चों की स्किन पर जरूर लगाएं, बालों पर जरूर लगाएं और डाइट का हिस्सा भी बनाएं। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए कारामद साबित होगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।